सुनीताज किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी वो हम देख लेते हैं। मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर ले लिया है, एक छोटा सा प्याज ले लिया है, एक शिमला मिर्च ले लिया है, चार उबले हुए आलू ले लिया है, हमने मिर्च पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन और आधा कप के करीब हमने मटर ले लिया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें दो चम्मच के करीब हम तेल डाल देंगे। उसके बाद दो तेज़पत्ता, एक चौथाई चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटकने लगे उसके बाद इसमें जो है ना, हम लोग धीरे धीरे इसको चलाएंगे। चलाते हुए फिर आलू जो काट के हमने रख लिया था, आलू को डाल देंगे इसमें। उसके बाद शिमला मिर्च भी हमने काट के रख लिया था, शिमला मिर्च को भी मिला देंगे। देखिए, हमने सभी सामग्री को उसमें डाल दिया है। सर्दियों के मौसम में आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग अगर इस तरह से बनाएंगे तो आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार आप ज़रूर इस तरीके से बना करके खाएं और बताएं कि ये सब्जी कैसी लग रही है। हमने इस बीच में टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सभी को पीस लिया था। उस सभी को मिला देंगे। मिलाते हुए कम से कम एक मिनट तक इसको हम भूंजेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, भूंज लिया हमने। इसमें जो हमने मटर जो रखा था आधा कप के करीब, वो मटर इसमें मिला देंगे। इसको भी मिला करके भूंजेंगे। इसमें आधा चाय चम्मच मैंने हल्दी डाल दिया है, आधा चाय चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, आधा चाय चम्मच के करीब जो है ना लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच नमक डाल देंगे, और नमक जो है ना हम बाद में डालेंगे ग्रेवी के टाइम में। सभी को डाल करके अच्छे से भूज लेंगे। देखिए, सभी को मिलाते हुए धीरे धीरे करके हम भूज लेंगे। हमारे घर में ये सब्जी सब कोई बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं तो बार बार बनाती हूँ। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, अब सब्जियाँ जो है ना तेल छोड़ने लगी हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको बीच में ढक भी देंगे ताकि जल्दी से पक जाए। ये देखिए, आप चाहे तो इस सब्जी को बिना ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, ऐसे भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बिना ग्रेवी वाली पूरी पराठा के साथ में बना करके खा सकते हैं। ग्रेवी चाहिए तो इसमें पानी डाल के ग्रेवी वाली आप बना सकते हैं। ये देखिए, हमने करीब एक कप के करीब पानी डाल दिया है। पानी डाल करके कम से कम 5 मिनट तक इसको पका लेंगे, क्योंकि मैंने आलू पहले ही उबाल लिया था तो ज़्यादा देर पकाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, आधा चाय चम्मच नमक डाल दिया। आप आवश्यकता के अनुसार जितना भी ज़रूरत हो आप नमक डाल सकते हैं। इसको ढक करके 5 मिनट हम पका लेंगे। देखिए, मैंने ढक दिया है, बीच में देखते भी रहेंगे। इसका देखिए पूरा पानी धीरे धीरे सूख रहा है, ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो चुकी है। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो नहीं भी डालते। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको कि धनिया पत्ता नहीं पसंद होता तो वो नहीं भी डालते हैं। देखिए, हमारी सब्जी बन के तैयार है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।